करेगा प्योरली आपका बिल्डिंग का। एंड सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, जैसे एक डेवलपर सेल्स एंड मार्केटिंग करता है, आप कोई भी डेवलपर लेड प्रोजेक्ट के लिए, आप कोई भी प्रोजेक्ट के बारे अगर देखिए विच इज अ गुड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, उस पर लिखा रहेगा दिस प्रोजेक्ट इज मार्केटेड बाय एक्स वाई जेड एजेंसी। तो सेल्स एंड मार्केटिंग भी एक अलग कॉन्सेप्ट होकर उभरा है आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। एंड हर प्रोजेक्ट को वो सेल्स एंड मार्केटिंग चाहिए वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, सेल्स को बूस्ट करने के लिए। तो जिस तरीके से हर प्रोजेक्ट में ये होता है सेल्फ डेवलपमेंट में, ऑल्सो यू हैव टू टेक द सर्विसेज ऑफ अ सेल्स एंड मार्केटिंग टीम। जो भी इंडस्ट्री बेस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है या जो भी हमारे प्रोजेक्ट को फीजिबल होती है, कंसिडरिंग दैट आपको एक सेल्स एंड मार्केटिंग टीम अपॉइंट करनी है, जिससे अगेन पूरे जो भी सर्विसेज है आपको एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वो आपको मिल जाते हैं। एंड दिस वे दिस इज द फर्स्ट मॉडल। सेकेंड सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल एक और अवेलेबल है, दैट इज द डेवलपमेंट मैनेजर मॉडल। Wherein same the society has to appoint a self-development consultant and वही same services जो पिछले मॉडल में मैंने आपको बताए थे वो सारे services society अपने self-development consultant से करवाएगी। Then the society has to appoint a development manager, यहाँ पे developer नहीं but development manager, पूरा manager को appoint कर सकते हो जो पूरा project का जो responsibility है वो ले लेंगे, जो कंट्रोल है प्रोजेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू द फंड्स इन जो प्रोजेक्ट फाइनेंस से फंड्स आएंगे वो, जो आपका आपको आपका प्लानिंग चाहिए, आपको प्रोजेक्ट पे कंट्रोल चाहिए, सो दैट विल एंटायरली अगेन बी इन द हैंड्स ऑफ सोसाइटी ओनली बिकॉज इट इज सेल्फ डेवलपमेंट। पर प्रोजेक्ट मैनेज करना एंड प्रोजेक्ट के जो रिस्क है उसको एग्जीक्यूट करना है, सेल्स का जो काम है वो पूरा एक डेवलपमेंट मैनेजर संभाल लेगा। सो दीज आर द टू ऑप्शंस अवेलेबल टुडे। जनरली जो एक टाइमलाइन होता है प्रोजेक्ट के लिए, तो एक उसका इलस्ट्रेशन है कि टुडे यू हैव अ क्लियर टाइटल एंड यू हैव अपॉइंटेड अ पीएमसी, तो दैट इज योर डे जीरो, मतलब आज इट इज डे जीरो। सो वन मंथ में आपको आपका प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूव करना है, देन प्री अप्रूवल फॉर लोन, और आपको प्लानिंग करना है, प्लानिंग फाइनलाइजेशन एंड आईओडी, सो ईदर दैट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ डेवलपर या सिलेक्शन ऑफ डेवलपर करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर और सिलेक्शन ऑफ अ डेवलपर। देन डेवलपर विल कम और कॉन्ट्रैक्टर विल कम इन टू द पिक्चर, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस होगा। अप्रोक्सीमेटली इन द 16th मंथ यू विल वेकेट योर प्रीमाइसेस। 18th मंथ में देर विल बी फुल डिमोलिशन एंड सीसी। कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा अप्रोक्सीमेटली 30 मंथ्स का। देन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एंड देन द रिपोजिशन, तो अप्रोक्सीमेटली 48 मंथ्स का ये पीरियड है जो आपका रोड मैप कह सकते हैं हम। तो जनरली ऐसे रोड मैप लोगों के मन में होता है कि इस तरीके से हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़े। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आज का डेट क्या है? 2020। आप सब अग्री करते हैं इनसे? कोई डिसअग्री करता है? नहीं, ओके, मैं करती हूँ डिसअग्री। आज हम जब यहाँ पे आए हैं, फॉर मी टुडेज डेट इज 5th December 2024। That is, I am standing in on this day on 5th December 2024, वो है 4 साल बाद। And I see you here enjoying with your family in the living room of your new building, of your redeveloped new building and your apartment. तो ये vision लेके सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप यहाँ आए हुए सारे members को ये vision लेके चलना है कि your day zero यहाँ हो आप, और वहां पहुंचने के लिए हमको उल्टा वर्किंग करना है कि वी हैव टू बी हियर एंड वी आर टुडे हियर। सो इन ऑर्डर टू रीच एट दिस लेवल ऑन दिस डेट, हमारे पास कितने दिन है और उन दिनों में हमको हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। सो व्हेनेवर वी वर्क इन सच अ वे कि योर रिपोजिशन इज फर्स्ट, एंड वो डेट पे वहां पहुंचने के लिए हमको क्या सर्विसेज करने हैं उसका हम रिवर्स वर्किंग करते हैं। बिकॉज एवरीथिंग जो भी आप करें लाइफ में, आपका प्रोजेक्ट हो या आपके पर्सनल लाइफ में हो, हमेशा आपको एक विजन लेके चलना है। यू हैव टू कनेक्टिवली वर्क टूवर्ड दैट विजन। आप जब साथ में हो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, तो आपको कलेक्टिवली कोऑपरेशन से आगे बढ़ना है, सबका एक कॉमन विजन रखना है एंड आपको आगे बढ़ना है। सो दिस इज वॉट वी डू एंड दिस इज वॉट वी विल डू फॉर यू इन योर प्रोजेक्ट। रीडेवलपमेंट लुक्स डिफिकल्ट, but at Tufcon we make it simple.
आप हम अभी वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। बिफोर दैट एक छोटी चीज बताना चाहूंगी आपको कि हमने लॉकडाउन में बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वी हैव डन अ लॉट ऑफ वेबिनार्स, बहुत सारे वीडियोस हमने हमारे चैनल पे पुट अप किए हैं, तो आप हमें यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। हमारा चैनल का नाम टफकॉन स्वालरमान है। सो मेनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू सेल्फी डेवलपमेंट अगर आपकी है कुछ भी, तो हमने उसमें बहुत सारे कवर किए हैं, बहुत सारे आंसर्स दिए हैं। प्लस यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो। अगर आज आपके कोई भी मेंबर्स यहाँ पे नहीं आए हैं तो हमारा पूरा टीम का इंट्रोडक्शन, हमने क्या काम किया है उस चीज का पूरा इंट्रोडक्शन हमारी वेबसाइट पे है। तो थैंक यू सो मच, एक तो आप इतने टाइम के लिए रुके हो इसलिए इवनिंग, एंड आपने हमको यहाँ पे बुलाया है, तब पेशेंटली पूरा ये जो प्रेजेंटेशन है वो सुना। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। मेंबर्स लोगों ने आपका 6300 का जो प्रॉफिट है इनटू देयर स्क्वायर फीट उन्होंने ऑलरेडी अपने बैंक अकाउंट में देख लिया है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। द मेन क्वेश्चन नाउ फ्रॉम देयर साइड बेसिकली, सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इज वी हैव एजुकेटेड देम इन लास्ट 5 years एवरी टाइम फॉर एनी ऑफ द स्टेप, वेदर इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ, वेदर इट इज आइडेंटिफाइंग ऑफ अ पीएमसी, वेदर इट इज सेल फॉर अ बिल्डर, एवरी टाइम वी हैव इनवाइटेड पीपल लाइक कस्टमर एंड गाइडेड देम। नाउ द question which today we have to answer to them, why a developer or why a seller? And in your calculation, I think so there are certain concessions which are available in sell, in the basically available on the premium panel from the MCGM. In this working, we haven't taken the concession, yeah, because that is proposed. They are there. So it will actually, that was the main idea, it will turn back the cost by about 15% in premium. Yeah, right. In premium. Right. So what we are assuming, why we are actually, so the my purpose to actually do this meeting was that the committee is interested to go for a self-redevelopment. Members, as I have told Nayanbhai also, this was formed in 74 and almost 41 members at the start of their career has purchased this flat. And today also they live in that flat. So it is very, it is the only asset which they have, and they are also right in their area that they don't want to take a risk. In a self-redevelopment, their perception is who will bring the tiles, who will bring the plan copy, who will construct it, aaj subah mazdoor kaam pe aaye nahi aaye, kaun dekhega, paise kahan se layenge, mere ko mera rent milega kya, purpose mila nahi mila secondary hai, 3 saal baad meri chabi mere haath mein aayegi kya, आप लोगों ने काम नहीं किया तो मैं थोड़ी आके काम करूंगा, तो आज भी वो प्रॉब्लम होता है। सो द परसेप्शन ऑफ सेल्फ इज नॉट वेरी क्लियर। हम लोग 8 साल से लाइन में काम कर रहे हैं कि हमको पता है सेल्फ क्या होता है और उसमें मेंबर क्या क्या फायदा, क्वालिटी में फायदा है, फाइनेंशियली फायदा है, टाइमली पोजिशन में फायदा है। तो जो आइडिया आपकी तरफ से आई थिंक आई वॉन्ट यू टू आंसर देम इज वॉट इज द डिफरेंस एंड वॉट डू यू एडवाइज देम एज अ कंसल्टेंट, वॉट यू सी आउटसाइड मार्केट, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम जब ये गेट से बाहर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया को डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं देखते, वो अपना सब्जी मंडी शॉप या अपना बिजनेस या जॉब करके वापस आ जाते हैं। उनको बाहर का रीडेवलपमेंट आइडिया नहीं है। आपका तहसीलदार ऑफिस में क्या होता है, कलरडी में क्या होता है, एमसीजीएम में क्या होता है, आपका डिपी प्लानिंग में क्या होता है, वो सब उनको कुछ लेना देना नहीं। मेरी चाबी कब मिलेगी वो बताओ। दैट इज वेयर द कंफ्यूजन विच कमिटी इज टेकिंग हेल्प ऑफ पीपल लाइक यू and want to explain them what is the difference and what they should do. Basically कैसा है ना कि हमेशा हमने आज तक रीडेवलपमेंट एक ही टाइप का देखा है, होता बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट, एंड हमें इसीलिए हमेशा कंसर्न रहा होगा कि माइट बी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहे, अगर रुक गया तो क्या होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली देयर आर रीजंस कि प्रोजेक्ट कभी क्यों रुकता है। आज तक अगर आप ये जैसे हम इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है या इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं काफी टाइम से, प्रोजेक्ट्स रुकने के सिर्फ दो कारण होते हैं या दो कारण जो हुए हैं अंटिल नाउ। सो वन इज कि लैक ऑफ फुल अप्रूवल। जो प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं कि या तो रुके हैं या धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वन इज कि उसका वो मेन कारण ये है कि उसमें लैक ऑफ अप्रूवल्स है, मतलब पूरे अप्रूवल्स एक साथ लिए नहीं जाते। वॉट इज अप्रूवल्स कि आज अगर बिल्डिंग डिमोलिश होती है तो उसी जगह पे नई बिल्डिंग बनाने के लिए हमको बीएमसी या जो बिल्डिंग परमिशन अथॉरिटीज है उनसे हमको परमिशन लेना पड़ता है। बिना परमिशन लिए हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब वो परमिशन को बोलते हैं सीसी, दैट इज कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। अब मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स क्या करते हैं कि या क्या कर रहे हैं ऑलरेडी,
पार्शियल परमिशन, बिकॉज परमिशन लेने हैं तो हमको फुल टीडीआर लोड करना है, फुल प्रीमियम्स पे करने हैं, सारा एमसीजीएम कॉस्ट पे करना है, तो ये सारा कॉस्ट एक साथ फंडिंग इन्वेस्ट करना एंड इतना इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करना, फंड लिक्विडिटी ब्लॉक करना, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स डोंट प्रिफर. तो वो क्या करते हैं कि पार्टली पार्ट परमिशन लेते हैं, लाइक प्लिंथ सीसी लेके आएंगे, मतलब फाउंडेशन से लेके जीरो लेवल तक, फिर प्लिंथ से लेके फोर्थ फ्लोर तक, फोर्थ से लेके एट फ्लोर तक. तो इस तरीके से जब पार्ट परमिशन आते हैं तो एक परमिशन के बाद दूसरा परमिशन लाने में कभी कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो गया या कोई भी डिले हो गया तो वो दैट लीड्स टू डिले इन प्रोजेक्ट. ऑल्सो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कहीं पे भी रेगुलेशन या नॉर्म्स में चेंजेस आ गए तो अगेन प्रोजेक्ट गेट्स अफेक्टेड. एंड थर्ड थिंग इज व्हाई ये जो पार्ट परमिशन दिए हुए प्रोजेक्ट क्यों अटकते हैं, फंड्स नहीं होते इन द फर्स्ट प्लेस, इसीलिए पूरे परमिशन दिए नहीं जा सकते. तो वही प्रोजेक्ट में आगे जाके कहीं पे भी फंड या लिक्विडिटी क्रंच आता है तो वो पूरे प्रीमियम्स पे करके पूरे अप्रूवल्स लेना डिफिकल्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट अटका हुआ है. सो देयर आर टू रीजंस, एक है कि पूरे अप्रूवल्स नहीं है, दूसरा है कि फंड्स नहीं है या फंड फ्लो नहीं है प्रोजेक्ट में. नाउ व्हेन वी गो फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट और इवन जब हम डेवलपर लेड रीडेवलपमेंट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, हम यही गाइड करते हैं कि अगर आप डेवलपर भी अपॉइंट कर रहे हैं तो यू शुड सी टू इट कि आपको या तो वो डेवलपर फुल अप्रूवल लेके आए, मतलब आप घर खाली करो, आप घर वेकेट करो, उसको वेकेंट पोजिशन दो, उसके पहले वो फुल अप्रूवल लेके आए. एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट में क्या होता है कि मुंबई बैंक हमको फंडिंग देती है तो मुंबई बैंक का जो फर्स्ट डिसबर्समेंट आता है ना, दैट इज टूवर्ड्स टेकिंग फुल परमिशन. वो हम लोग को पैसे आपके बाकी के प्रोजेक्ट खर्चों के लिए नहीं देगी, आपका रेंट के लिए नहीं देगी, अगर आप खाली करने के टाइम के पहले भी खाली करके जब भी बोलोगे मेरे को पहले रेंट दो, तो उस सब चीजों के लिए मुंबई बैंक डिस्बर्स नहीं करेगी. मुंबई बैंक विल फर्स्ट डिस्बर्स ओनली टुवर्ड्स योर प्रीमियम, बेसिकली बीएमसी में प्रीमियम भरो, फुल अप्रूवल लाओ, टीडीआर पूरा लोड करो, पूरा बीएमसी में उसको जमा करो एंड पूरा अपने प्रोजेक्ट पे लोड करो, तब जाके यू हैव टू गेट फुल आईओडी. मतलब वेकेट करने के पहले जो परमिशन होता है उसको बोलते हैं आईओडी, तो यू हैव टू गेट फुल आईओडी. मतलब आप अपना घर खाली करके जाओगे उसके पहले ही नई बिल्डिंग बनाने के पूरे परमिशन आपके हाथ में होंगे, तो ही आपको खाली करना है. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रीजन कवर हो गया. सेकेंड रीजन था फंडिंग का. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया परसेंटेज में कि बीएमसी एंड टीडीआर कॉस्ट, ये जो दो कॉस्ट होते हैं ना, ये लगभग 40% और 45% तक के ये खर्चे हो जाते हैं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के. तो इतना पैसा तो आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट में लगा लिया, बाद में बचता है काम कॉन्ट्रैक्टर का, उसके लिए वी हैव टू प्रोजेक्ट सैंक्शन. एक बार हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन डिस्बर्स हो गया तो प्रोजेक्ट में हमारे फंड्स है, प्रोजेक्ट फाइनेंस अवेलेबल है. तो इस तरीके से जिस जैसे हमने डिसाइड किया है कॉन्ट्रैक्टर को कि कितना कंप्लीशन पे कितना पेमेंट होगा, उस तरीके से बैंक से वो पेमेंट होगा. जिस दिन आप अपना घर वेकेट करोगे तो रेंट जो है बैंक का, वो रेंट आपके अकाउंट्स में आ जाएगा. सारे मेंबर्स को एक अकाउंट ओपन करना होगा मुंबई बैंक में एंड डायरेक्टली वो मनी आपके अकाउंट में आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ रेंट, इन फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग चार्जेस. तो ये जो सिक्योरिटी था जो पहले नहीं हो रहा था या जो प्रोजेक्ट हम अटके हुए देखते हैं उसमें ये चीज नहीं थी कि फुल अप्रूवल एंड फुल फंडिंग, तो ये सिक्योरिटी आपको सेल्फ डेवलपमेंट में मिलता है. एंड अगर बात है कि अरे टाइल कौन लेके आएगा और सिलेक्शन कौन करेगा और पेंट का सिलेक्शन कौन करेगा, तो ये सब चीजें यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट. सेल्फ डेवलपमेंट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस कि जो भी डिसीजन आपको लेने हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए, यू हैव टू टेक दैट इन एन एसजीएम. आपको स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी है, बेसिकली मैनेजिंग कमिटी हैज टू कॉल फॉर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग. एजेंडा में लिखने हैं क्या क्या पॉइंट हमको अप्रूव करना है, मेंबर्स के सामने वो पॉइंट्स रखने हैं, मेंबर्स से वो अप्रूव करवाना है, फिर ही आगे बढ़ना है. तो अगर आपके प्लान्स बनते हैं तो प्लान्स में क्या बेसिकली क्या प्लानिंग है, हर मेंबर का क्या प्लानिंग है, वो मेंबर से अप्रूव करवा के रेजोल्यूशन पास करके लेना है, तो ही एज एन आर्किटेक्ट वी कैन मूव अहेड विद द प्लानिंग या उस प्लान के ऊपर अप्रूवल लाना. एक बार प्लान्स फ्रीज हो गए फिर हम देख सकते हैं कि हमको किस तरीके की एमिनिटीज चाहिए, किस तरीके का फिनिशिंग चाहिए, किस तरीके का इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स चाहिए या प्लम्बिंग फिटिंग्स चाहिए. तो ये सारी चीजें भी हमारी तरफ से, एज योर कंसल्टेंट वी कैन टेल यू कि हमारा ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है, इसमें इतना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमने कंसिडर किया है, उसमें व्हाट टाइप ऑफ एमिनिटीज कैन बी टेक, व्हाट टाइप ऑफ फिनिशिंग कैन बी टेक, उसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये सारे हम आपको देंगे.